नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी से रिलेटेड एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जहां रोक के 7 दिन बाद भी शिक्षा विभाग में बैक डेट में हो रहे हैं ट्रांसफर। तो दोस्तों, जहां 31 अगस्त लास्ट डेट थी ट्रांसफर की, तो वहीं अभी भी सूची जारी हो रही है, ट्रांसफर हो रहे हैं 31 की डेट में। तो खबर निकल करके आ रही है पीपुल समाचार द्वारा, तो इसे हम रीड करते हैं दोस्तों। और चलिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए। इस खबर को डिटेल में जानते हैं। तो अखबारों में आज शिक्षा विभाग की सुर्खी है ट्रांसफर पॉलिसी से रिलेटेड। पीपुल समाचार को हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं। जैसा कि दिया गया है, सभी विभागों में ट्रांसफर पर प्रदेश सरकार द्वारा 31 अगस्त से रोक लगाने पर भी स्कूल शिक्षा विभाग में बैक डेट में ऑफलाइन आदेश जारी हो रहे हैं। साथ ही शिक्षक व अधिकारी ट्रांसफर निरस्त कराने में लगे हुए हैं। शिक्षा कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। स्कूल शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी के ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि शिक्षक समर में ट्रांसफर आदेश एम शिक्षा मित्र ऐप पर अपलोड होंगे, वहीं आदेश मान्य होंगे। यह भी कहा गया था कि शिक्षक समर के आदेश ऑफलाइन निकलते हैं तो स्वतः अमान्य व निरस्त माने जाएंगे। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग के द्वारा तय दिनांक 31 अगस्त तक प्रदेश भर में 2500 से भी अधिक शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश ऑनलाइन जारी किए गए हैं। अब शिक्षा विभाग ने अपने ही नियमों को निरस्त कर शिक्षक संवर्ग के आदेश ऑफलाइन जारी करना शुरू कर दिए हैं। यह भी 31 अगस्त की तिथि में ही निकाले जा रहे हैं। बुधवार को भी मंत्रालय से ट्रांसफर सूचियां ऑफलाइन 31 अगस्त की डेट में ही जारी हुई है। इसी प्रकार से जिलों में भी डीओ स्तर पर भी ऑफलाइन आदेश निकलना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, स्थानांतरण नीति का हो रहा है उल्लंघन, तारीख बढ़ाई जाए, तो इसके तारीख बढ़ाने की मांग की है। इसे देखते हैं, शिक्षा विभाग के सामान्य प्रशासन विभाग की स्थानांतरण नीति का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। ऑफलाइन पुरानी सूचियों का तबादला उद्योग चल रहा है। स्थानांतरण नहीं हो पाने पर तारीख बढ़ाई जाए ताकि शेष मामलों का निराकरण हो और नियम विरुद्ध किए जा रहे स्थानांतरण पर रोक लग सके। ये कहना है मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के सुभाष सक्सेना, जो कि प्रांतीय प्रवक्ता हैं। तो साथ में दोस्तों, यहाँ पर हम एक और चीज़ को देखते हैं, जैसे कि इसमें ऊपर दिया है 4 कर्मचारियों का निलंबन कर गड़बड़ी की होगी जांच। तो स्कूल शिक्षा विभाग की ट्रांसफर सेल ने अनियमितता सामने आने पर लोक शिक्षण के विभागीय जाँच हुई है। 4 कर्मचारियों को निलंबित किया, परंतु मामला साइबर सेल का होने से वहाँ पहुंचा तो कई अधिकारियों पर भी गाज गिरना तय है। तो दोस्तों, ये ट्रांसफर पॉलिसी से रिलेटेड एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है पीपुल समाचार के द्वारा। ऐसे ही शिक्षा विभाग व अन्य विभागों से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।